घूंघट टिक दर्द भरी कहानी। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या? अभी तक रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं, तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम है? रानी तुम नहीं हो, मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ी डर था कि सुबह आंखें नहीं खुलेगी तो। रजनी दीदी हंसती हुई बोली, रानी मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कराती आवाज़ में बोली, चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिला दिया। हाँ मैं हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी, वो बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, कुछ समय ही नहीं आया। मतलब रजनी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा, रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ेगी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी, तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, ये कुछ शर्म लिहाज है या नहीं, इसे दुकान पर हंगामा देख। राहुल बाहर से भाग कर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी, मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरे शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेंगी? माँ जी जोर जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जबान चल रही है इस रजनी की। कभी राहुल सब की बात काटते हुए बोले कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो ये मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति को भंग कर दिया है, ये वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी, पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष राहुल के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है,
मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरे शिश्रम से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले से लगा लिया। थैंक यू दोस्तों।